जय हिंद। तो इस वीडियो में देखेंगे लिमिट के इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला वर्ग जो है हम लोग पुट करके देखेंगे x का डायरेक्ट वैल्यू क्या रहा है। तो ऊपर में तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस टू वन हो गया और 4 माइनस थ्री वन हो गया, मतलब ये जीरो बाई जीरो। इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा, आगे से सॉल्व करने के लिए अब हम लोग जो मैथड अप्लाई करेंगे वो क्या हो सकता है। तो ये देखिए x माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू अंडर रूट माइनस फोर माइनस एक्स अंडर रूट। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। दैट मीन्स इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा अंडर रूट एक्स माइनस टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए नोमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी इतना से ही मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? आगे का स्टेप देखिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू थ्री, ये होगा x माइनस टू अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय। इस डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस टू माइनस फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू थ्री। क्या होगा देखिए, x माइनस टू ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस टू है रहने देते हैं, प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स है डिवाइडेड बाय। ध्यान से देखिए, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हो जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू, वन मिस्टेक, देखिए यहां पे x माइनस थ्री है। ओके, यस, सो यहां पे क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू थ्री, ये देखिए यहां पे x माइनस थ्री अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स इन साइड द ब्रैकेट, सो टेक टू कॉमन एक्स माइनस थ्री। तो यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा लाइक एक्स माइनस थ्री। अब एक्स के वैल्यू को पुट करके देखते हैं, थ्री माइनस टू अंडर रूट प्लस फोर माइनस थ्री अंडर रूट बाई टू, वन प्लस वन बाई टू, टू बाई टू, सो दिस इज वन। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन पुट करके देखते हैं, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और यहां पर भी जीरो। दैट मीन्स ये हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मीन्स इसे हमें किसी और मेथड से सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन मेथड यूज करना होगा। अब ये देखिए 5x माइनस फोर अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन वी कैन राइट। तो मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं हम लोग, 5x माइनस फोर अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स बाई 5x माइनस फोर अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया लिमिट x टेंस टू वन, इसे हम लिख सकते हैं 5x माइनस फोर माइनस एक्स बाई यहां पे क्या होगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये होगा 5x माइनस फोर अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स इन साइड द ब्रैकेट। तो अब देखिए 5x में से x माइनस हो जाएगा तो 4x बचेगा, लिमिट x टेंस टू 1, 4x में से 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 बच जाएगा। क्लियर? यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और ये होगा अंडर रूट 5x माइनस फोर प्लस अंडर रूट एक्स।
तो देखिए यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस वन, और अब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 प्लस वन ये 2 हो जाएगा, यहां से होगा 1 प्लस वन, दैट मीन्स 4 बाई 4, और ये भी कट गया और बच गया 1। जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो लिमिट है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने वाले हैं। यस, तो अब तो सोच ही होंगे कि सबसे पहले हम x का वैल्यू रूट 10 पुट कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, और 7 प्लस 2 रूट 10 रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर होगा। मीन्स यहां से जब बाहर आएगा तब देखिए 7 प्लस 2 रूट 10 ये जो होगा वो रूट 2 प्लस रूट 5 के इक्वल होगा। इसका मतलब ऊपर में कैंसिल हो गया और नीचे भी कैंसिल हो गया, मीन्स ये जो फॉर्मेट है वो 0/0 आ गया। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंस टू रूट 10 ये 7 प्लस 2x अंडर रूट माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए अभी यहां पे बताया कि इसको क्या लिखा जा सकता है ना, 7 प्लस 2 रूट 10 का अंडर रूट लिख सकते हैं। देखिए रूट 2 प्लस रूट 5 इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, या फिर इसको जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 7 प्लस 2 रूट 10 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो अब ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 10 और ये x माइनस अंडर रूट 10। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 7 प्लस 2x अंडर रूट प्लस 7 प्लस 2 रूट 10 अंडर रूट, यहां भी उसी से मल्टीप्लाई होने वाला है, अंडर रूट 7 प्लस 2x एंड अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट 10। क्लियर है। आगे देखिए लिमिट x टेंस टू अंडर रूट 10 ये हो जाएगा 7 प्लस 2x माइनस ये होगा 7 प्लस 2 रूट 10 बाय x प्लस रूट 10 इंटू एक्स माइनस रूट 10 इन ब्रैकेट 7 प्लस 2x अंडर रूट प्लस 7 प्लस 2 रूट 10 अंडर रूट। ध्यान दे रहे हैं, देखिए अब ये x ये 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 2 यहां से कॉमन भी आ जाएगा, दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू रूट 10 2 कॉमन लेंगे x माइनस रूट 10 डिवाइडेड बाय x प्लस रूट 10 इंटू एक्स माइनस रूट 10 इंटू अंडर रूट 7 प्लस 2x प्लस अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट 10। अब ध्यान दीजिए ये x माइनस रूट 10 एक्स माइनस रूट 10 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। यस, अब आगे क्या लिख सकते हैं, अब x का वैल्यू जो है वो सीधे सीधे हम लोग पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10, यहां पे होगा रूट 10 प्लस रूट 10 टू रूट 10, और यहां पर देखिए 7 प्लस टू रूट 10 अंडर रूट, और ये हो गया 7 प्लस टू रूट 10 अंडर रूट। ये देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 10 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 अंडर रूट 7 प्लस
टू रूट टेन, वन बाई टू इन टू, और ये देखिए बताए थे कि रूट फाइव प्लस रूट टू इसका एक सॉल्यूशन आएगा, बट ये डिनोमिनेटर जो है वो रूट में है तो हम लोग इसको रूट फाइव माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू बाई टू इन टू फाइव माइनस टू। दैट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू बाई थ्री टू जा सिक्स। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए पहला वर्ग क्या है, डायरेक्ट मेथड हमें x का वैल्यू पुट करना है। ये देखिए 4, 7, 9, 16 माइनस 4 हो जाएगा, नीचे देखिए 1 माइनस 8 माइनस 7 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 बाई 0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें 4 माइनस अंडर रूट 9 प्लस एक्स, ध्यान दीजिए इसे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे हम 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। ओके, ये जो टर्म नीचे बचा हुआ है 1 बाई 1 माइनस 8 माइनस एक्स अंडर रूट, इसे हम लोग 1 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि इसे हम लोग दो बार क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो एक बार न्यूमरेटर को रैशनलाइज किए और एक बार डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किए। क्लियर, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 7। देखिए ध्यान से देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिख दी यहाँ पे 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर में होगा 1 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 8 माइनस एक्स। यहाँ भी a माइनस बी है, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए। अब ध्यान दीजिए इसे सॉल्व करने के लिए और आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 7, 16 माइनस 9 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स बाई ये 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स। आगे यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये होगा 1 प्लस 8 माइनस एक्स अंडर रूट, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस 7, तो माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस एक्स। ध्यान देते हैं 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस एक्स, माइनस कॉमन लीजिए 7 माइनस एक्स, तो ये क्या लग रहा है कि 7 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। और अब हम x का वैल्यू 7 पुट करके देख लेते हैं, इस माइनस को हम पहले बाहर ले गए ऊपर से, 1 प्लस 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, अंडर रूट 1 1 होता है। ये देखिए यहाँ पे 4 प्लस 9 प्लस 7 16, बाहर आएगा 4, दैट मीन्स ये हो गया माइनस 2 बाई 8 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्वेश्चंस जो है इस लिमिट के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यस, तो अब आप सोच ही लिए होंगे कि इसे हमें किस फॉर्म पे लाना है, दैट मीन्स आएगा, लाना नहीं है, जैसे ही आप जीरो पुट कीजिएगा 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, फॉर्म हो गया 0 बाय 0, दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मीन्स वी विल यू हैव टू यूज अनदर मेथड टू सॉल्व इट। ओके, नाउ लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यस 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन। यस, अब ध्यान दीजिए a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे। सो लिमिट x टेंस टू जीरो इट इज वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन। ये देखिए x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन। ध्यान दीजिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, x के वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो 1 बाय 2 इन आउटसाइड इट विल बी 1 प्लस 1 दैट मीन्स 1 बाय 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले x के वैल्यूज को पुट करके देख लेंगे क्या रहा है। तो ऊपर में देखिए 0 और नीचे में भी आ गया 0, मीन्स ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। इसे सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अंडर रूट इसे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। सो ये न्यूमरेटर के लिए क्लियरेंस हुआ, अब डिनोमिनेटर को भी करना होगा। इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर, क्या लिखने वाले हैं लिमिट x टेंस टू 0। ये ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस 1 प्लस एक्स। ओके, नीचे में ये बचा रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ऊपर में क्या बच के रह गया 1 प्लस एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स। ओके, तो ऊपर को ध्यान से देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, क्या बचा आगे देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 x कॉमन लीजिए x माइनस 1, नीचे क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, देखिए यहां से भी ये 1 कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहां पे बचा हुआ है इसे हम लोग सीधे सीधे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। सो सी ये x माइनस 1 सीधे कैंसिल हो गया और ये x भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, सीधे 0 डाल देते हैं तो ये 1 होगा और यहाँ से भी 1, यहाँ देखिए 1 प्लस 1 और कुछ, ये तो अच्छा अब यहाँ पे ये भी टर्म बचा हुआ है तो ये होगा 1 प्लस 1 मीन्स ऊपर भी हो गया 2 नीचे में 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया
वन बाई